अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है द ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें ये होता है कि बेसिकली द क्वेश्चन दैट राइजेस इज दैट कि अगर यहाँ पे कोई चीज अटैच्ड है तो जो चीज फॉर एग्जांपल y पॉजिटिव आएगी वो कहाँ अटैच होगी, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 पे। तो उसको जो है वो हमने डिटरमिन करना है कि वो जो है वो कहाँ पे अटैच होगी। अब इसमें जो है वो ये याद रखें कि 2 and 6 positions are known as ortho, 3 and 5 positions are known as meta, and 4th position is known as para. तो ये जो है ना वो उसको याद करने के लिए कि क्या इस तरह होता है, ठीक है। सो ये तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी पोजीशंस लगी हुई है। जब फॉर एग्जांपल जब जिन दिनों में डेटा बुकलेट जो है वो एग्जाम में दी जाती थी तो उसमें एक टेबल भी बना आता था, उसमें जो है वो पेज नंबर 15 पे आता था टेबल के, वो ये वाला था एक्स ग्रुप से डायरेक्ट द इनकमिंग वाई ग्रुप से 2 और 4 पोजीशन के, अगर एक्स पे कौन कौन से होंगे सब्सटेंसेस होंगे तो 2 या 4 पे जाके चीज अटैच होगी, और एक्स ग्रुप से अटैच इनकमिंग वाई ग्रुप 3 पोजीशन, कौन कौन सा एक्स पे चीज होगी जो कि उसको 3 पोजीशन पे लेके जाएगी, ठीक है। तो अब जो है वो डेटा बुकलेट तो गिवन नहीं होती, और जो है क्या कहती है ये जितने ज्यादा कम ग्रुप्स हैं कि ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्यों एक और तरीका जो है वो उसको करने का ये है कि वो मैं आप बताता हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि देखिएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present with benzene gene ring, then incoming electrophile will attack at एट 2, 4 और 6 positions, यानी के ortho and para, ठीक है। अब ये किस तरह होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है ना वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर सिंगल बॉन्ड ग्रुप्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह डबल बॉन्डेड ग्रुप्स कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे, ठीक है। अच्छा तो इसको जो है वो हम इस तरह देखते हैं कि देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे ये बेंजीन बनाता हुआ मैं इसको देखिएगा, और यहाँ पे ओ एच ओ के पास जो है वो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है दिस मूव्स टू द नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज ओ एच ओ एच this gains a positive charge, okay, this bond जो अगले move हुआ था वो इधर आ गया, वो वाला आगे आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। and over here you will have a negative charge, then what happens, this bond moves to the next bond, O पे आ जाएगा और उससे जो है वो फिर आगे आते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ओ हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये बॉन्ड जो था जो आगे मूव हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, और ये वाला तो ऊपर चला गया था।
नेगेटिव चार्ज जो है वो अब इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड था, यहाँ पे ये बॉन्ड था, ये नेगेटिव चार्ज आगे आएगा और ऊपर जो है वो आपके पास ओ एच है पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस जो करेंगे वो ये है कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो कहाँ कहाँ पे हमें नजर आ रही है, ठीक है। टू पे, फोर पे और सिक्स पे, और टू फोर सिक्स जो है ये तो आर्था एंड पैरा पोजिशन है जहां पे ग्रुप लगना है आके। तो इससे जो है वो हम ये वो करके कहते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन ऑर्था एंड पैरा पोजिशंस पोजिशंस हेंस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच ऑन दी ऑर्था एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, सो बेसिकली देखिए हुआ ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो टू फोर और सिक्स पे आया है, ठीक है। एंड नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जो कि ग्रुप जो आके लगना है वो या तो टू पे लगेगा या फोर पे लगेगा या सिक्स पे लगेगा, दैट इज ऑर्था एंड पैरा, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, प्रेजेंट विद बेंजीन इन रिंग, देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच एट मीटर पोजिशन मीटा पोजिशन कौन सी थी, थ्री और फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला कौन सा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज डबल बॉन्डेड ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल भी दिखाते हैं हम आपको, ये देखें आपके पास जो है वो बेंजीन है मशहूर और मारूफ, यहाँ पे ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब इसमें जो है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा। और सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको कि ये जो है ये आपके पास
और ओ ओ है, ठीक है, एनओ टू, एनओ टू अटैच है, ठीक है। तो ये भी जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखें कि यहाँ पे अगर एनओ टू अटैच है तो आपको पता है कि एनओ टू अटैच होगा तो थ्री या फाइव पे आएगा एटम ग्रुप जो भी आएगा। तो इसमें ये क्या होगा कि ये देखिएगा, अगर ये आपके पास जो है वो है एक बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर हेयर, वन इज प्रेजेंट ओवर हेयर एंड द अदर इज प्रेजेंट ओवर हेयर। ये वाला जो बॉन्ड है दिस मूव्स टू द नेक्स्ट बॉन्ड, एन वाले बॉन्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। दिस वो जब बॉन्ड उधर आएगा तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस बॉन्ड आल्सो मूव्स टू द नेक्स्ट जगह पे। सो देन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था एन ओ ओ, पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। ये बॉन्ड जब आगे आ गया तो ये तो भी यहीं पे है, ठीक है। तो फिर ये भी है, ये कहेगा कि मैं भी आगे जाऊं, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये वाला तो उधर चला गया, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पे एन डबल बॉन्ड था ओ ओ, ठीक है, एंड दिस हैड नेगेटिव चार्ज। रिमेम्बर दिस नेगेटिव चार्ज विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू दिस एंड दिस विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू दिस एंड ओवर हियर देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द यू कैन से द मैकेनिज्म इज दैट यहाँ पे जो है वो एन पॉजिटिव हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ विल बी आल्सो बी नेगेटिव एंड अ बॉन्ड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड ओवर हियर जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, ठीक है। तो ये जो था ना, तो ये जो है ना वो इस तरह प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, टू पे प्रेजेंट है, फोर पे प्रेजेंट है और सिक्स पे प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो उससे ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो पीछे जो पोजिशन रह जाएंगी वो होंगी थ्री एंड फाइव और फाइव, तो वो उसी पे ही अटैच करेगा, टू फोर सिक्स पे अटैच नहीं कर सकेगा। तो इसके बारे में जो है वो मैं लिखता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी ऑर्था एंड पैरा पोजिशंस, हेंस द इलेक्ट्रोफाइल which is positively charged will not attach to ortha and para and will attach to meta position।
है, तो इस तरह जो है वो हमने इसको देखना है।